हाय एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए ब्लॉग में। और ये जो आप लोग अभी देख रहे हो, ये हमने शॉर्ट वीडियो थोड़े टाइम पहले ही डाला हुआ है अपने चैनल के ऊपर, तो इस वाले शॉर्ट वीडियो को भी जरूर देखिएगा। और आज के ब्लॉग की मैं बात करूं तो आज पूरा दिन हो गया और हम आप सभी लोगों के लिए कोई भी मूवमेंट शूट नहीं कर पाए थे, लेकिन हमें एक हिडन अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज़ मिला घर पर, तो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि क्या है वो चीज़। तो चलिए देखते हैं क्या क्या आप सभी लोगों के लिए लेकर आए हैं आज के ब्लॉग में। हाय, हेलो, बढ़िया। हाँ जो जैन जी साहब, व्हाट अ सरप्राइज है। हाँ भाई, देख बताया नहीं आपने, और एकदम से ये टाटा सफारी बाहर है। हाँ, नहीं लाया नहीं, मैं लाने वाला हूँ। ओह अच्छा, ये तो ओल्ड वाली सफारी है। ओल्ड वाली सफारी है ये, नई वाली टाटा सफारी का है। हाय एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए ब्लॉग में। और आप लोगों को लिटरली बताऊं तो आज हमने ब्लॉग शूट ही नहीं किया हुआ था, लेकिन अभी हमारे घर पर एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ हमें मिला। तो हमें पता नहीं था कि हमारे घर पर आ रहे हैं सानू मिट्ठू की फैमिली। तो यहाँ पर देखिए, ये लगी है इनकी गाड़ी और जीजू साहब अभी कर रहे हैं बात कहीं किसी से। तो चलिए मैं आप लोगों को मिलवाता हूँ सानू मिट्ठू से। तो ये देखिए, ये आ गए हैं सानू मिट्ठू और ये बाणी के साथ खेल रहे हैं अभी। तो तीनों बच्चे अपनी मौज मार रहे हैं यहाँ पे। तो क्या कर रहे हैं भैया आप दो लोग? खेल रहे हैं बाणी के साथ। देखिए बाणी, ये क्या है? चुन्नू मुन्नू। हेलो 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 क्या हेलो मिट्ठू, ठीक ठाक हो? सन भी हेलो, ठीक हो? व्हाट अ सरप्राइज विदाउट नोटिफिकेशन है? नहीं थी उन्हें एलिमेंटर, ठीक है जी। ब्रिंग की थी उन्हें एलिमेंटर। अरे स्पारिंग देखी मेरी दें, लाइरिंग आज बार। लाइरिंग शायद मुबारक हो तो सोंग। मैं बोल रहा हूँ। अच्छा चलेंगे। जंजट है ने। जंजट जंजट त्यागी आप, तो आपको 2023 में लेनी चाहिए थी, 2022 का मॉडल इन लगेगा। तो नहीं, 23 का लगना है, ऐसी बात की 23 में आर सिंगा करेगा। तो देखो मिट्ठू, आपके पापा बोल रहे हैं कि भाई इन्होंने बात कर लिया ऑलरेडी, 2023 में सच में होता है ऐसा? हो सकता है। वैसे अगर अगर हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग 31 दिसंबर को ही कर रहे हो? नहीं नहीं, जो बन गई है ना गाड़ियाँ, ये चाहे तो जब मैंने इसकी आरसी बनानी है ना, जैसे तो मैं नए साल पे बनाऊँ तो नए साल पे ही बन के आएगी। अच्छा अच्छा, मतलब बोलने का मतलब ये है कि अगर जब आपके पेपर का वर्क होगा तब से ही काउंट होगा कि भी मॉडल तब से है? तब से पक्की बात है ये? तो कंफर्म है। तो देख लो, कैमरा में रिकॉर्ड हो रहा है, ऐसा नहीं कुछ रॉन्गली इन्फॉर्मेशन देते हैं हम अपने व्यूअर्स को। अच्छा अच्छा, जब आरसी बनती है उसी का मॉडल होता है गाड़ी, तो कितने दिन की रखते हैं वहाँ पे, होती है सारी बिकती तो नहीं है। अच्छा, मतलब जब जो आरसी पे मतलब पड़ेगा कि भैया इस ईयर से है, तो वही काउंट होता है? अच्छा अच्छा अच्छा। मिठू सनबी, क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे? मिठू मिठू सनबी, तुम्हारा ये काम है कि तुमने ना बाणी को गाड़ी सिखानी है। हाँ, तो घर पे तुम्हें देखा बड़ी ज्यादा दौड़ाता था। चलो बाणी देखो कैसे चला रहा है भैया गाड़ी, आपने भी सीखनी है ऐसे, और ऐसे दौड़ानी है ना। तो भाई ये चला रहे हैं गाड़ी, देखने लग गई नहीं इसको चोट है ना?
चलाओ और तुम दोनों में खेलो, है ना। चलो 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 पानू, सिखा दी तुम दोनों ने गाड़ी इसको। देखो बाणी कर रही है ड्राइव यहाँ पर गाड़ी को, बाणी चला रही है ना, बाणी चला रही है गाड़ी। बाणी लग गई अपने आप चलाने, गाड़ी है ना। देखो कैसे चला रही है। तो यहाँ तक आप लोगों ने देखा तीनों बच्चे बहुत ज़्यादा बिजी चल रहे थे, गाड़ी आई हुई है बाणी की, तो बाणी भी बहुत ज़्यादा जिद करती है गाड़ी चलाने की। और बीच में ये देखिए टीवी लग गया अचानक, तो उसके बाद ये नाचने लग गए तीनों अंदर आ गए। और बाणी की मैं बात करूं, बाणी बहुत ज़्यादा ही ज़िद्दी हो गई है, छोटी छोटी चीज़ों के लिए ये ट्राई कर देती है, और जब तक इसकी जिद को हम पूरा ना करें जो ये चीज़ मांगती है, तब तक ये मतलब बहुत बुरा हाल कर देती है। इसके मामा जी ने दी हुई थी इसको बर्थडे पर ये गाड़ी, तो ये बार बार आज जिद कर रही थी कि मैंने रोड के ऊपर चलानी है, बाहर की तरफ चल पड़ती थी, तो उसी वजह से आज हम ब्लॉग भी शूट नहीं कर पाए आप सब लोगों के साथ। ये तो ब्लॉग तभी बना जब सनवी मिट्टू और उनके मम्मी पापा ने एकदम से ही अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज़ दिया, हमें पता नहीं था कि हमारे घर पर आने वाले हैं, तो चलिए बढ़िया लगा इनका सरप्राइज़। और कुल मिलाकर ये बच्चे यहाँ पर 5 या 10 मिनट ही डांस किया इन्होंने, और उसके बाद फिर से जिद लग गई इनकी कि गाड़ी चलानी है, तो ये चले गए थे बाहर, फिर धोने लग गए चलाने आप खुद ही। कितने चक्कर खिल गए तुमने? तो कैसा लगा आप लोगों को अभी तक हमारा ये ब्लॉग, जरूर बताइएगा हमें कमेंट बॉक्स में। बाकी ऐसा मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि इस वाले ब्लॉग की मैं यहीं पर ही एंडिंग कर देना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता है घर पर आ गए सानू मिट्टू, तो प्रियंका की हेल्प भी करवानी पड़ेगी किचन में, और मम्मी और पापा भी अभी अभी आ गए हैं नीचे गाँव से, तो अभी मम्मी पापा देख लेंगे बाणी को, और मैं करवाता हूँ प्रियंका की हेल्प किचन में, क्योंकि सब्जी भी बनानी है और प्रियंका चपातियाँ बनाना स्टार्ट कर दिया है प्रियंका ने। तो जैसा भी लगा होगा आप लोगों को हमारा ये आज का ब्लॉग, तो उसी के ही रिगार्डिंग आप लोग हमारे ब्लॉग को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लोगों के साथ, यही मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि इस वाले ब्लॉग में इतना ज़्यादा एफर्ट मैंने नहीं लगाया हुआ है। मैं फ्रेंकली आप लोगों को बताऊँ, मैंने ब्लॉग को आप लोगों को बिगनिंग में भी बता दिया कि आज का ब्लॉग को हमने आप लोगों के लिए जरा सा भी शूट नहीं किया हुआ था, क्योंकि एक्चुअली हम बहुत ज़्यादा बिजी थे यहाँ पे, और बाणी ने आज बनाने ही नहीं दिया ब्लॉग। बाणी भी बहुत ज़्यादा मुश्किल से कंट्रोल किया आज बाणी को, बाणी बार बार सड़क की तरफ भागे जा रही थी, और देखा आपने बीच में मिठू और सन भी आए हुए हैं, तो बाणी के मामू ने दी हुई है बाणी को कार, तो उसी को ही वो बार बार जिद कर रही थी रोड की तरफ कि मैंने रोड पे ही चलानी है, तो इस वजह से भी ब्लॉग नहीं बना पाए थे हम, तो तब जाके मैंने ये आप लोगों को साफ बात बता दी। तो करता हूँ एंडिंग यहीं पर ही इस वाले ब्लॉग की, मिलेंगे बहुत ही जल्द नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय एंड टेक केयर।